SC ST एक्ट के बदलाव को लेकर इन दिनों देश भर के दलितों में काफी आक्रोश है, जिसको लेकर दलित समाज ने 9 अगस्त को बंदी का ऐलान किया है। SC ST एक्ट को लेकर कैबिनेट ने संशोधन बिल लाने की मंजूरी दे दी है। साथ ही सरकार ने 9 अगस्त को दलितों द्वारा किए जाने वाले बंदी को वापस लिए जाने की बात कही है। SC ST एक्ट में परिवर्तन न किए जाने की मांग को लेकर गोरखपुर के दलित समाज के लोगों ने बुधवार को जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में शांतिपूर्ण तरीके से हाथों में बैनर पोस्टर लेकर धरना दिया। दलितों का कहना है कि SC ST एक्ट दलित समाज की सुरक्षा को लेकर बनाया गया था, लेकिन अब इसमें बदलाव कर इस समाज को पुनः कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। दलितों का कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो दलित समाज 9 अगस्त को देश भर में बंदी करने का काम करेगा। धरने के दौरान राजेश्वर दास, नागेंद्र दास, सूबेदार दास, संदीप दास, रेखा दासी, सावित्री सहित कई दलित मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राजेश्वर दास ने कहा, जैसे देखिए SC ST मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के तहत जो है उसको हल्का कर दिया गया है, उसी को फिर से पुनः लागू करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देंगे DM साहब के माध्यम से। ऐसा है, हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, लगभग 90 लाख अनुयायी हैं, जिसमें 60% जो है इसमें दलित समाज से हैं लगभग, इसलिए हम चाहते हैं कि उसमें सुधार हो। पहले जो है उसमें तुरंत उस पर एक्शन लिया जाता था, अब तमाम मामले उसमें रोक टोक के लग गए हैं, जिससे हमको न्याय नहीं मिल पा रहा, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। नहीं, उसके लिए नहीं है।